Hey guys, कैसे हैं आप लोग? आपका मोस्ट वेलकम है अनअकैडमी स्टूडियो वॉल्ट पे. मेरे पीछे जो आपको इमेज दिख रही है वो हमारी टीम है, अनअकैडमी स्टूडियो वॉल्ट की टीम है, जो आपके लिए दिन रात मेहनत करती है ताकि आप एग्जाम को क्रैक कर सकें. तो गाइज, हमारे साथ आइए, मिलिए, हमें अच्छे सजेशंस दीजिए, हमसे सीखिए, हमें कुछ सिखाइए भी, और हमारे साथ मिलके लेट्स एग्जाम क्रैक इट. तो आज जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है मसाला बॉन्ड. आपने कई बार मसाला बॉन्ड सुना होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस भी मेरे पास आते हैं. मसाला बॉन्ड है क्या वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए आपको मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना पड़ेगा. तो मेरे साथ बने रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपनी सखी सहेलियों के साथ शेयर करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए. मसाला बॉन्ड पर हम बात करने वाले हैं, सिंपल सी लैंग्वेज में बात करेंगे. लेकिन उसके पहले मैं आपको अपना स्केड्यूल बता दूँ. जो नए बच्चे मुझे देख रहे हैं, तो 7 AM पर सेम चैनल पर, मतलब हमारे YouTube चैनल का नाम है अनअकैडमी स्टूडियो वॉल्ट, तो इस चैनल पे 7 AM पे आप मुझे करंट अफेयर्स लेते हुए देख सकते हैं. 9:30 पर स्पेशली क्लैरिकल मेंस को हम फोकस कर रहे हैं, क्लैरिकल मेंस को, और उसके लिए हम एक क्लास लेके आ रहे हैं मॉक टेस्ट करंट अफेयर्स का. और 1:30 पर भी हम अभी क्लैरिकल मेंस को ही फोकस कर रहे हैं, और वहां पर हम बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास लेते हैं MCQ के फॉर्म में. ये मेरा स्केड्यूल है. और गाइज, मैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स में आता हूं, आप यहां पर मेरी इमेज देख सकते हैं. तो अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो अनअकैडमी स्टूडियो वॉल्ट पर भी फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ अनअकैडमी प्लस पर भी फॉलो कर सकते हैं. अभिजीत मिश्रा मेरा नाम है, और एक बार आप मुझे फॉलो कर लेंगे तो आप मेरे पेड कंटेंट को भी यहां पर देख सकते हैं, परचेस कर सकते हैं. गाइज, अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करने के लिए आपके पास अनअकैडमी का लर्निंग ऐप होना चाहिए. डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिए, और चूज योर गोल के ऑप्शन में जाके बैंक एग्जाम पे क्लिक कर लीजिए. और जब आप बैंक एग्जाम पे क्लिक कर लेंगे गाइज, तो आपके सामने ऑप्शंस आते हैं क्या, वो मैं आपको दिखाता हूं. देखिए, ये मेरे कोर्सेस का एडवर्टीजमेंट है, मेरे अपने खुद के कोर्स चल रहे हैं IBPS क्लैरिकल मेंस के लिए. एक बैच स्टार्ट हो चुका है और एक बैच अभी और आने वाला है. गाइस, अनअकैडमी को सब्सक्राइब करने के लिए देखो ये फीस का स्ट्रक्चर है. आप कैसे अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर फीस की बात करें गाइस, तो यहां पर टाइम ड्यूरेशन दिया कि कितने टाइम के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं. गाइस, अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर अगर आप एक साल के लिए अनअकैडमी को खरीदते हैं, परचेस करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो एक साल की फीस आपको यहां पे 6,000 रुपए दिख रही है. लेकिन जब आप एडमिशन लेंगे तो ये आपको ये कोड AM लाइव कोड, ये मेरा कोड है, अगर इस कोड के थ्रू एडमिशन लेंगे तो आपको डिस्काउंट हो जाएगा और आपकी फीस हो जाएगी 5,400 रुपए. 5,400 रुपए एक साल के लिए आपको देना है. लेकिन इसमें फायदा क्या है, देखिए, पहली बात, आप हिंदी में कंफर्टेबल है, हमारे पास हिंदी में कोर्स है. आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है, हमारे पास टोटली इंग्लिश में कोर्स है. आपको क्वांट के 10 एजुकेटर चाहिए, 10 आपको मिल जाएंगे. आपको रीजनिंग के 10 चाहिए, 10 मिल जाएंगे. आपको इंग्लिश के 10 चाहिए, आपको इंग्लिश के 10 लोग मिल जाएंगे. आपको जीए के लिए चाहिए, आपको जीए के लिए 10 लोग मिल जाएंगे. यानी अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है ही गाइस, जहां पर आपके पास मोर देन 60 एजुकेटर्स पढ़ाने के लिए होते हैं, और एक ही फीस पे में, एक ही फीस में आप सबको यहां पर फॉलो कर सकते हैं, हर कोर्स को. आपको दूसरे एजुकेटर के लिए कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं. घर पर बैठिए, ड्यूरिंग क्लास आप चैट करके अपने एजुकेटर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. आंसर देने के बड़े सिस्टम हमारे पास है, पोल्स ऑप्शन हमारे पास है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है. और 5400 में एक साल. आपने ऑफलाइन क्लासेस ली होंगी, मुझे पता है सब लेते हैं बच्चे. आप वहां की फीस कंपैरिजन कर लीजिए, आप कंपैरिजन कर लीजिए इतने पैसे में कितना आपको फायदा मिल रहा है. तो अगर अभी तक आपने अनअकैडमी को सब्सक्राइब नहीं किया किसी वजह से, तो कर लीजिए, हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड. और ये गाइज, आपकी फीस पड़े कितनी, 5,400 रुपए एक साल के लिए. ठीक गाइज, ये मेरा कोड है AM लाइव कोड. अगर आप इसके अलावा SSC रेलवे UPSC भी देख रहे हैं, वहां पर अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो इस मेरे कोड से आप वहां पर भी कर सकते हैं. आपको 10% का डिस्काउंट तो मिलना ही मिलना है. ठीक, ऐसे बच्चे जो नए हैं उनके लिए हमारे पास 2 साल का मॉडल है, 9,600 रुपए का 2 साल के लिए अनअकैडमी आपका हो जाएगा. 2 साल के लिए क्यों गाइज, क्योंकि बीच बीच में फीस बढ़ती रहती है, तो आपको आप पर उसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा. अगर आप हाउसवाइफ हैं, आपको टाइम नहीं मिलता, आप जॉब करते हो, आपको टाइम नहीं मिलता, आप बिगिनर हो, आपको थोड़ा टाइम चाहिए, आपके लिए बेस्ट है. और मेरा कोड अगर आप फॉलो करेंगे तो ये फीस पड़ेगी आपको 8,640 रुपए, 2 साल के लिए अनअकैडमी आपका हो जाएगा. चलिए तो गाइस शुरू करते हैं. तो अब हम बात करेंगे मसाला बॉन्ड की. मसाला बॉन्ड क्या है, मसाला बॉन्ड क्यों नाम दिया गया, कैसे दिया गया, हम सारी बात करेंगे बिल्कुल सिंपल सी भाषा में. तो मेरे साथ बने रहे
और वीडियो को लाइक कर दें। मसाला बॉन्ड की हम बात करने वाले हैं। ये क्या होता है मसाला बॉन्ड, ये मसाला बॉन्ड क्या होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मसाला बॉन्ड को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको बॉन्ड समझना पड़ेगा, आपको बॉन्ड समझना पड़ेगा, ठीक है गाइस। देखिए बॉन्ड का मतलब एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, बॉन्ड का मतलब एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल आप लोग नहीं बोलते हो यार मेरा अरबी में सिलेक्शन हो जा रहा है, लेकिन अगर मेरा आईबीपीएस में सिलेक्शन हो गया तो, क्योंकि अरबी में एक साल का बॉन्ड भरवा रहे हैं, है ना बॉन्ड। कभी कभी घर में आप लोग अपने माताजी पिताजी की बात सुनते होंगे कि एलआईसी का बॉन्ड नहीं मिल रहा है, कहां रख दिया गया। तो बेसिकली बॉन्ड का मतलब लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन जब हम फाइनेंस में बॉन्ड की बात करते हैं या मैं मसाला बॉन्ड की बात कर रहा हूं, तो यहां पर बॉन्ड का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट तो है लेकिन एक बोरोइंग कॉन्ट्रैक्ट है, एक उधार लेने वाली बात है, मसाला बॉन्ड उधार लेने वाली बात। और ये जो मसाला बॉन्ड है ना, ये कैसा बॉन्ड है बेटा, ये एक ओवरसीज बॉन्ड है, मतलब इंडिया से बाहर। देखिए अगर मान लीजिए कल को मैं जाकर एक कंपनी का मालिक बन गया, कल को क्या मान लू क्या मैं होना ही होना है, ये मेरी कंपनी है फॉर एग्जाम्पल मिश्रास कंपनी, ये मेरी कंपनी और मैं इस कंपनी का ऑनर हूं और मुझे पैसा उधार चाहिए, मुझे पैसे रेस करने हैं, मुझे पैसे बोरो करने हैं, लेकिन ये पैसे मुझे बोरो करने हैं ओवरसीज, मतलब इंडिया से बाहर। इंडिया में ऑलरेडी मैंने बोरो किया है और मैं चाहता हूं कि अब इंडिया से बाहर मैं पैसा उठाऊं, बिकॉज मुझे जितना पैसा चाहिए वो मुझे इंडियन मार्केट में नहीं मिल रहा है। तो मुझे अगर ओवरसीज मतलब इंडिया के बाहर से पैसा उठाना है तो मैं मसाला बॉन्ड इशू कर सकता हूं। अच्छा मसाला बॉन्ड बाद में, मैं बॉन्ड इशू कर सकता हूं फॉरेनर्स के लिए भी, फॉरेनर्स के लिए भी, ठीक। चलो इतना तो हमें क्लियर हो गया। अच्छा अब लोग आपने सुना भी होगा कि मसाला बॉन्ड एक रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड है, एक रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड है, यादगार सुनते हो लोग आपसे क्या बोलते हैं कि वो रुपीज में होता है। क्या मतलब है भाई ये रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड है, इसका मतलब क्या हुआ गाइस, मेरी बात समझिएगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड मतलब जिससे हम उधार ले सके। अब उधार का मतलब क्या हुआ कि बात लीगल होती है, सब कुछ स्टैम्प पे होता है, बात लीगल होती है, इसे हम बॉन्ड बोलते हैं, है ना। तो मसाला बॉन्ड का मतलब हम इंडिया से बाहर उधार लेते हैं, इंडिया के बाहर से जो भी बैंक है कंपनीज है उनसे हम उधार लेते हैं, ठीक, हमें पैसे की नीड है। और फिर हमने क्या सुना कि मसाला बॉन्ड एक रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड है, इसका मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल सी भाषा में समझिएगा। देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड का मतलब क्या होता है। देखिए मान लीजिए कि मैं अपनी बात करूं, मुझे मसाला बॉन्ड से उधार लेना है, मैंने इंटरनेशनल मार्केट में कह दिया कि भाई मुझे 1100 करोड़ रुपए चाहिए, मुझे 1100 करोड़ रुपए चाहिए, मुझे 1100 करोड़ रुपए चाहिए। मैंने आपसे यह नहीं बोला कि मुझे 1100 करोड़ डॉलर चाहिए। जब मसाला बॉन्ड से मैं उधार लूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे 1100 करोड़ रुपए चाहिए। यानी अगर कोई फॉरेन का इन्वेस्टर मेरे मसाला बॉन्ड में निवेश करना चाहता है तो वह मुझे इतना डॉलर देगा जितना डॉलर इंडिया में 1100 करोड़ रुपए के बराबर होगा। मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर वो मुझे 50 लाख, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, डॉलर देगा और ये 1100 करोड़ रुपए के बराबर है तो ये मुझे इतना पैसा देगा, मुझे इतना देगा। सुनना बहुत ध्यान से मेरी बात, मुझे 1100 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक, तो इसने मुझे इतना पैसा इतना डॉलर दिया। अब मैंने इससे वादा किया था कि मैं भविष्य में तुमको 1200 करोड़ रुपए दूंगा, मतलब ब्याज वाज मिला के 1200 करोड़ रुपए दूंगा, तो अब मैं इनको इतना पैसा रिटर्न करूंगा, इतना डॉलर, जैसे मान लो कि अब फॉर एग्जांपल 60 लाख डॉलर, लाख डॉलर ज्यादा नहीं जा रहा है, है ना, हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, मान लो 1100 करोड़ रुपए ना, हम मान के चल रहे हैं मान लो कि 5000 डॉलर, सिंपल कर लेते हैं इसे, ये केवल एग्जांपल के लिए है। मान लीजिए कि मुझे 1100 करोड़ रुपए चाहिए और 1100 करोड़ रुपए की वैल्यू 5000 डॉलर है, तो ये मुझको 5000 डॉलर देंगे, सुनना वो ध्यान से, और मैंने इनसे प्रॉमिस किया था कि मैं इनको 1200 डॉलर वापस करूंगा, और 1200 की वैल्यू मान लो 6000 डॉलर चल रही है, तो मैं इनको 6000 डॉलर वापस कर दूंगा, 6000 डॉलर मैं इनको वापस कर दूंगा। इससे क्या फायदा हुआ, इससे क्या फायदा हुआ, आइए अब ध्यान से समझिएगा, अब ध्यान समझिएगा, देखिए सुनना वो ध्यान से। देखो गाइस आप लोगों ने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग सुना है,
आप लोगों ने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग सुना है? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का मतलब हमारे देश की कंपनी, हमारे देश के बैंक बाहर की कंपनी या बाहर के बैंकों से उधार लेते हैं, उसे हम ईसीबी बोलते हैं। ईसीबी और मसाला बॉन्ड में डिफरेंस क्या, सुनना बहुत ध्यान से। पहले मैं मसाला बॉन्ड के बारे में और एक्सप्लेन करता हूं आपको, ठीक है? देखिए गाइस, मान के चलिए कि एक डॉलर के बराबर 60 रुपए चल रहा है, एक डॉलर के बराबर 60 रुपए चल रहा है, एक डॉलर के बराबर 60 रुपए चल रहा है। और ईसीबी में क्या हुआ, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैंने क्या किया, ईसीबी में मैंने एक डॉलर रुपए उधार मांगे, मैंने एक डॉलर मांगा, रुपीज नहीं मांगा, मैंने एक फॉरेन की कंपनी है एक्स वाई जेड, मैंने क्या किया, मैंने इनसे एक डॉलर उधार मांगा। तो ये एक डॉलर मुझे उधार देंगे इंडिया में, एक डॉलर उधार देंगे मुझे, ठीक, सुनना बहुत ध्यान से। मुझे, मैंने एक डॉलर उधार लिया है तो मुझे इनको एक डॉलर वापस करना है, लेकिन जब मुझे वापस करना था तब तक क्या हो गया बेटा, तब तक क्या हुआ कि रुपीस वीक हो गई और ये 65 रुपए का हो गया। तो बेटा समझो कि मुझे वापस करने के लिए इनको 65 रुपए के बराबर देना पड़ेगा। लिया मैंने इनसे एक डॉलर, मुझे वापस कितना करना है एक डॉलर, लेकिन पहले ये 60 रुपए के बराबर था, अब ये 65 के बराबर हो गया। मतलब कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में जहां पर आप डॉलर वॉलर रुपीस डॉलर उधार लेते हो, वहां पर हमेशा करेंसी रिस्क आपके ऊपर होता है कि अगर करेंसी की वैल्यू जो है वो, मतलब आपकी रुपीस गिरी, डॉलर स्ट्रांग हुआ, तो आप बहुत ज्यादा लॉस में चले जाओगे, आप बहुत ज्यादा लॉस में चले जाओगे। गाइस मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अगर आपने एक डॉलर उधार लिया तो एक डॉलर के लिए पहले आपको 60 रुपए के बराबर इसे एक्सचेंज रेट था, लेकिन अब ये 65 का हो गया। मतलब कुछ समझ में आ रहा है, समझिए इसका मतलब। ये कैसे एक्सचेंज होता है, जैसे मैं और डीप में ले आता हूं, जैसे ये आरबीआई है, तो अगर आपने एक डॉलर लिया तो आप क्या करेंगे, आप आरबीआई को एक डॉलर देंगे तो आरबीआई आपको 60 ही तो देगा ना बेटा, इसके बराबर। लेकिन जब तुमको ये वापस करना है एक डॉलर और ये 65 का हो गया, तो अब तुम आरबीआई को 65 रुपए दोगे तो वह तुमको एक डॉलर देगा, तुम लॉस में हो। यानी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग में क्या है, रिस्क तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे इन्वेस्टर के ऊपर नहीं है। लेकिन मसाला बॉन्ड में इसका उल्टा हो जाता है, कैसे, देखो अब मसाला बॉन्ड की बात करते हैं। एक डॉलर के बराबर 60 रुपए है, तो जब आप मसाला बॉन्ड में उधार लेते हो फॉरेन इन्वेस्टर से, तो आप इससे क्या बोलोगे, आप इससे बोलोगे भैया हमें 60 रुपए चाहिए, हमको डॉलर नहीं चाहिए। और उस समय अगर एक डॉलर के बराबर 60 रुपए चल रहा है तो वो तुमको क्या करेगा, वो तुमको 60 रुपए दे देगा, एक डॉलर के बराबर 60 रुपए, ठीक। अच्छा, तुमने अगर 60 रुपए उधार लिया है भाइयों, तो तुमको 60 ही तो वापस करना है ना। अगर रुपीस में तुमने 60 लिया है, तुम 60 ही वापस करोगे। अब मान लो फ्यूचर में क्या हुआ, फ्यूचर में एक डॉलर के बराबर ये 65 रुपए हो गया, लेकिन डजंट मैटर, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि तुमको 60 ही देना है, तुमने 60 ही वापस किए, तो क्या तुम्हारे पर इसका आया, नहीं, तुम्हारे इन्वेस्टर को लॉस हो गया, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। फिर समझ लो, समझना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन फिर समझ लो। पहले वाला केस तो क्लियर होगा, अब इस केस में देखो, यहां पर तुम्हें जब मसाला बॉन्ड के थ्रू उधार लेना था तो तुम रुपीस में लेते हो, तो तुमने इनसे बोला हमें 60 रुपए चाहिए, हमें डॉलर नहीं चाहिए, हमें 60 रुपए चाहिए, तो ये तुमको 60 रुपए के बराबर जितना डॉलर होगा वो डॉलर देंगे। तो इन्होंने तुमको एक डॉलर दिया लेकिन उसकी वैल्यूएशन 60 में ही मानी जाएगी। और जब तुम भाई तुमने 60 रुपए लिए थे, अब तुमको वापस करना है पैसा, तुमको वापस 60 रुपए करना है, लेकिन अभी तक वैल्यू एक डॉलर के बराबर 65 रुपए हो चुकी है, लेकिन तुमने तो 60 लिया है तो तुम 60 ही दोगे, तो तुम्हारा इन्वेस्टर लॉस में चला गया, क्योंकि तो इसको मिलना चाहिए था 65 लेकिन मिल रहा है 60 रूल के हिसाब से। तो मसाला बॉन्ड में रुपी डिनोमिनेशन का फायदा यह होता है कि जो हम लोग हैं इंडियन, जो बोरोवर हैं, उधार लेने वाले हैं, हम पे करेंसी रिस्क का इंपैक्ट नहीं आता। हाँ, वही आप एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में करोगे जहां पर आप डायरेक्टली डॉलर लेते उधार, तो वहां पर आपके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। ये मसाला बॉन्ड की खूबसूरती है, आई थिंक आपको समझ में बात आ गई होगी, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई गाइस, अब समझिएगा। तो मसाला बॉन्ड कैसे बेचते हैं हम लोग, क्या होता है, तो गाइस जैसे नहीं, मान लीजिए हमारे पास अगर जमीन है, हमारे पास अगर बिल्डिंग कुछ भी है, तो बेचने के लिए यार हम कुछ ब्रोकर रखते हैं ना। तो वैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में मसाला बॉन्ड के लिए हमारा एक ब्रोकर है, और वो ब्रोकर कौन है, वो ब्रोकर है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, IFC, वर्ल्ड बैंक का एक पार्ट। तो ये मसाला नाम उसी ने दिया है, एग्जैक्टली इंडिया के कल्चर को थोड़ा सा, मतलब वर्ल्ड में लाने के लिए उसी ने दिया है।
तो इंटरनेशनल मार्केट में मसाला बॉन्ड सेल आउट करने के लिए जो हमारा मतलब ब्रोकर है, जो हमारा एजेंट है, वो कौन है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। चलो वो तो हो गया ब्रोकर, लेकिन मसाला बॉन्ड बेचने के लिए हमें एक मार्केट भी चाहिए होगा ना। तो मार्केट कौन सा है? लंदन स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे हमारा मसाला बॉन्ड हमारा ब्रोकर सेल आउट करता है, मतलब इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। देखिए आइए कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए तो पहली बार जो मसाला बॉन्ड था वो हमारा कब बिका? 2014 नवंबर में ये इशू हुआ, मतलब 14 में, अंडर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन 2 बिलियन ऑफशोर रुपी प्रोग्राम। मतलब इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने हमारी हेल्प की 2 बिलियन रुपीस उठाने के लिए इंटरनेशनल मार्केट से। तो पहली बार 2014 में मसाला बॉन्ड इशू हुआ। अच्छा तो देखिए, दे आर डिफरेंट फ्रॉम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, ये ईसीबी से अलग होता है। इन अ वे दैट इन ईसीबी द करेंसी रिस्क लाइज विद द इंडियन इश्यूअर। मतलब अगर हम ईसीबी में उधार ले रहे हैं तो हम पे रिस्क है, मैंने आपको बताया था ना। लेकिन मसाला बॉन्ड में द करेंसी रिस्क लाइज विद द ओवरसीज इन्वेस्टर, जो मैंने आपको समझाया था। अभी ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपका, ठीक है। अच्छा, मसाला बॉन्ड 3 तरह की मैच्योरिटी में इशू होता है, 3 साल, 5 साल और 7 साल। 3 साल की मैच्योरिटी, 5 साल की मैच्योरिटी, 7 साल की मैच्योरिटी, ठीक है। और देखिए, कंपनीज कैन रेस अंडर द ऑटोमेटिक रूट। मतलब देखिए, कहने का मतलब मसाला बॉन्ड जो है आप कितने का इशू कर सकते हैं? तो मसाला बॉन्ड से आप $50 बिलियन तक का लोन एक साल में ले सकते हैं, $50 बिलियन। और अगर इसके ऊपर चाहिए आपको उधार, तो फिर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संपर्क करिए, वो आपको अलाउ करता है कि नहीं, फिर वो उसकी उसके ऊपर है। तो गाइज ये था मसाला बॉन्ड, आई होप कि आपको मतलब ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्लीज एंड प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, हमको भी अच्छा लगेगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए, ये एक्चुअली स्पेशली एक डिमांड आई थी, डिमांड थी हर्षिता नाम की बच्ची की, तो उनके डिमांड पर मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपकी भी डिमांड हो तो प्लीज हमें कमेंट करें। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइस।